अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे और अपने घरों में बहुत खुश होंगे। आज जो मैं आपको एक टिप बताने जा रही हूँ, बहुत ही असेंशियल है, बहुत बेनिफिशियल आप सब लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो किचन में, जो अम्मियाँ वगैरह जो किचन में ज़्यादा काम करती हैं, ठीक है, और उन मर्द हजरात के लिए भी जो बाहर जाते हैं, उनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है, डस्ट आ जाती है, डस्ट की वजह से पोर्स ओपन हो जाते हैं और स्किन बिल्कुल डल और रफ़ और एजड लगती है, ठीक है, उनके लिए ये फेस पैक बहुत एसेंशियल है, बहुत बेनिफिशियल साबित होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ये फ्री फेस पैक है। मैंने इसका नाम भी फ्री फेस पैक फॉर विंटर्स रखा है, क्योंकि इसमें जितने भी चीज़ें, जितनी भी इंग्रीडियंट्स वगैरह यूज़ होंगे, उनके लिए आपको बाज़ार जाने की या मार्केट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हर चीज़ आपको किचन में से अवेलेबल हो जाएगी। तो हुआ ना फ्री फेस पैक। अच्छा जी, तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये आपके फेस को ग्लो करेगा, ठीक है, क्योंकि डेड सेल रिमूव हो जाएंगे, ऊपर से डेड स्किन रिमूव हो जाएगी, डस्ट पार्टिकल्स, ये वो सारा, हर चीज़ जो ऊपर गनमन लगा होगा, हर चीज़ उतर जाएगी, तो फेस नेचुरली से ग्लो करेगा। अच्छा जी, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी बात ये कि ये फेस पैक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, थोड़ा सा, मतलब इसमें 25 से 30 मिनट्स लगेंगे हार्डली। तीन स्टेप्स हैं, तीनों स्टेप्स पे 10-10 मिनट लगेंगे। आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है, ठीक है, ताकि कोई भी स्टेप इसमें मिस ना हो, क्योंकि ये है स्किन का मामला जी। तो ये फर्स्ट स्टेप में जो सारे हमारी चीज़ें यूज़ होंगी वो हैं, इसमें सबसे पहले हमने लिया है 1 टेबल स्पून मिल्क, 2 टेबल स्पून आटा नॉर्मल जो घरों में यूज़ होता है, इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया है दही, ठीक है, ये 1 टेबल स्पून मिल्क डाल लेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा दही, ये मेरा मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट है, खाने में भी और लगाने में भी इसके बहुत ही अच्छे इफ़ेक्ट्स आते हैं। अच्छा जी, तो ये आटा भी मैंने इसमें डाल लिया है, अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इतना मिक्स करेंगे इसमें कोई भी ग्लम्स वगैरह बाकी ना रहे, स्मूथ सी एक पेस्ट बन जाए, तब तक हम इसे मिक्स करेंगे। जी, तो ये देखिए फेस पैक हमारा अच्छे तरह से, जो फर्स्ट स्टेप है वो है क्लिंजिंग, ये हमारा मिक्स हो चुका है, तो इसको अब करते हैं हम अप्लाई। और वैसे ये क्वांटिटी वाइज काफ़ी ज़्यादा बनता है, मतलब दो चेहरों के लिए ये इनफ होगा, लेकिन ये देखें ये अब थोड़ा सा बचा है मेरा, क्योंकि मुंह ज़रा ज़्यादा बड़ा है और जिन लोगों का मुंह बड़ा है उस पर तो ये सारा ही लग जाएगा, लेकिन वैसे ये दो चेहरों के लिए इस्तेमाल हो सकता है एट ए टाइम, ठीक है जी। तो फेस पैक अब हमारा लग चुका है, अब हम करेंगे 10 मिनट वेट, ठीक है, ज़रा ज़्यादा ज़्यादा लगा देते हैं। जी, तो 8 मिनट मेरे गुजर चुके हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रब करूंगी। तो 5 मिनट मेरी स्क्रबिंग हो चुकी है, अब मैं फेस वॉश करके फिर आपको दिखाती हूँ। जी, तो फेस मैंने वॉश कर लिया है, ये देखिए आप, अब चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ, उसकी सारी प्रिपरेशन मैं आपको बता देती हूँ, वो भी सेम प्रोसीजर से अप्लाई करना। जी, तो ये हमारा दूसरा स्टेप है एक्सफोलिएशन, इसमें हमने सबसे पहले लिया है 1 टेबल स्पून योगर्ट, उसके बाद इसमें हमने लिया है 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क, ये मैंने नीडो लिया, आप लोग कोई सा भी मिल्क ले सकते हैं एवरीडे, जो भी आपका दिल चाहे, ठीक है। उसके बाद इसमें 1 पैकेट मैंने शुगर का डालना है, शुगर मैंने थोड़ी सी मतलब ना प्रॉपर क्रश्ड ली है, ना ही प्रॉपर जो उसका बड़ा साइज़ होता है वो लिए, थोड़ा सा स्मॉल साइज़ होता है वो लिए, और इसके अलावा मैंने इसमें लिया है
थ्री से फोर ड्रॉप्स लेमन, फ्रेश लेमन है ये, ठीक है। अब इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे, इतना मिक्स करेंगे कि इसमें कोई भी ग्लम्स वगैरह बाकी ना रहे। जी तो ये दूसरा भी फेस पैक हमारा बन चुका है, देखिए अब इसको भी अप्लाई करते हैं। ज्यादा आगे भी ना ना हो कि यहाँ पर डर ही ना जाए। मिरर ही यूज कर लेती हूँ। अच्छा जी, इसकी हमने 5 मिनट्स तक मसाज करनी है, ठीक है। मसाज करके फिर हमने इसको 5 मिनट्स रहने देना है। मैंने मसाज कर ली है, 5 मिनट्स गुजर चुके हैं। अब मैंने इसको 5 मिनट के लिए अपने फेस पे ऐसे ही रहने देने, उस 5 मिनट्स के बाद मैं वॉश करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है जी। तो मैंने अपना सेकंड स्टेप वाला वॉश कर लिया, ये देखिए। चले जी, अब चलते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ। सारा प्रोसीजर मैं आपको दिखा देती हूँ। सेम स्टेप है, सेम टाइम हम लोगों ने 5 मिनट्स तक रुकना है स्क्रब लगा के, उसके बाद 5 मिनट्स क्लिनजिंग है, देन वॉश, ठीक है जी। जी तो ये थर्ड एंड लास्ट स्टेप है। इसमें सबसे पहले लिया है 1 टेबलस्पून मिल्क, अब इसमें जाएगा 1 टी बैग, ग्रीन टी बैग ये मैंने ली है, लिप्टन की है, ठीक है। इसे खोल के इसके अंदर सारा डाल दूँगी, ये मैंने डाल दिया। अब इसमें मैं लूँगी 3 से 4 ड्रॉप्स ऑलिव ऑयल। आप लोग इसकी जगह आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी ठीक रहेगा, ठीक है। और मैंने इसमें ऑलिव ऑयल यूज़ किया है। अब मैं इसके लिए लूँगी 1/2 बनाना, ये ऐसा मैंने फुली राइप्ड बनाना लिया है, हाफ मैंने इसमें डाली है। अब इसमें मैश कर लूँगी, ठीक है। उसके साथ मुझे चाहिए 1 एवियन का कैप्सूल। ये वो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो थर्ड स्टेप में यूज़ होंगे। तो फेस पैक का ये थर्ड वाला जो पार्ट है वो मैंने बना लिया, ठीक है, आ रहा है नज़र। चलें अब इसे अप्लाई करते हैं। मैंने लगा लिया है अपने फेस के ऊपर। अब मैं ज़रा इसको करूँगी थोड़ी सी मसाज, 5 मिनट्स का वेट है, उसके बाद मसाज है, तब तक केला खा लेता हूँ। जी तो 5 मिनट्स मेरे गुजर चुके हैं। अब मैं इसकी कर लूँगी मसाज, उसके बाद मैं इसे वॉश करूँगी, वॉश करके आपको रिजल्ट्स दिखाऊँगी, देन एक स्टेप और है वो करके उसके बाद फिनिश, ठीक है। जी तो मसाज हमारी हो चुकी है, अब वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ रिजल्ट। जी तो फेस मैंने वॉश कर लिया है, अब रुकिए मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। ये देखें, ग्लो आ रही है नज़र, ये देखें, देखा हो गया ना मैजिक। चलें जी अब इसके फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं। फाइनल स्टेप इसका ये है कि ये उन लोगों के लिए है जिनके स्किन पे बहुत ज़्यादा पोर्स हैं और जिनकी बहुत ज़्यादा डेड स्किन है और स्किन बहुत ज़्यादा डल है, ये उनके लिए स्टेप है, ठीक है। ये आप लोग चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपकी स्किन इतनी रफ नहीं है, नॉर्मल है, तो आप लोग ये स्किप कर दें। लेकिन वो लोग जिनके पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन है वो ये ज़रूर करें, ठीक है, ज़रूर करें। और जिनके फेस पे ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, काफ़ी मतलब अजीब स्किन लगती है, अजीब डंपी डंपी सी, ठीक है, उन वो लोग ये ज़रूर करें।
ये मैंने एक टमाटो ले लिया था रात में, ठीक है, उसको सेंटर से कट करके मैंने रख दिया था फ्रीजर में। फ्रीजर में रखने की वजह से जी अब बन चुका है बर्फ, ये देखें, ठीक है, बर्फ बन चुका है। अब इससे मैं करूंगी अपनी स्किन की 2 से 3 मिनट मसाज, ये देखें, ठंडा ठंडा जी। तो ये हो रही है मेरी मसाज, और इसके साथ एक इम्पोर्टेंट बात मैं और आपसे कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि डेली की न्यू एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। जी व्यूवर्स, तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा और कितना इंस्टेंट रिजल्ट आया बिल्कुल मेरे फेस पे। ऐसे ही इंशाल्लाह आप लोगों के फेस पे आएगा। आप लोग भी ये सारे स्टेप इसी तरह करें जिस तरह मैंने आपको गाइड किया है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आपने जो ये अप्लाई करना है, सबसे पहले आपने ऐसी स्किन पे अप्लाई करना है जो काफ़ी डल हो, काफ़ी डल हो। फिर आपने उसका एक बिफोर स्क्रीनशॉट लेना है, एक उसके बाद आपने आफ्टर शॉट लेना है, ठीक है। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों का रिजल्ट कैसा आया, ठीक है। और ये जो फेस पैक है ये आपने अप्लाई करना है अम्मियों पे जो किचन में ज़्यादा कुकिंग वगैरह का काम करती हैं। दूसरा ये कि जो भाई वगैरह बाहर जाते हैं धूप में फिरते हैं काम करते हैं, ये वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ज़रूर अप्लाई करके आपने उसके बाद रिजल्ट देखना है। इंस्टेंट रिजल्ट आएगा, ज़रूर आएगा, 100% गारंटीड है, ठीक है। आखिरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं उन लोगों के लिए जो मुझे कमेंट्स में और जो इनबॉक्स में मुझे मैसेज कर करके कह रहे हैं कि जी ये क्रीम है, ये वो चीज़ है, अच्छा जी आप ये यूज़ करती हैं, अब हम भी यूज़ करेंगे तो हम भी गोरे हो जाएंगे, हम भी वाइट हो जाएंगे, हमारी स्किन भी नीट एंड क्लीन हो जाएगी। देखें, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आप लोग कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, अपनी स्किन की केयर कर रहे हैं, तो उससे स्किन पर ग्लो आएगी। ग्लो का मतलब वाइट होना नहीं होता, ये कम्प्लेक्शन जो होता है, जो किसी के स्किन का कलर गंदुमी होता है, किसी का वाइट होता है, किसी का डल होता है, वो अल्लाह की तरफ से नेचुरली होता है, जेनेटिकली होता है, ठीक है। ये वाली जो स्किन ट्रीटमेंट्स है, ये जो केयर है, ये सिर्फ आपकी स्किन को फ्रेश करने के लिए होती हैं, आपकी स्किन को ग्लो करने के लिए होते हैं, ठीक है, वाइट करने के लिए नहीं होते। ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं है जिससे आपकी स्किन का कलर चेंज हो सके। हाँ, ग्लो आएगा, आप अपनी स्किन की केयर करेंगे, ऑब्वियसली सी बात है कि आपकी स्किन नीट लगेगी, फ्रेश लगेगी। स्किन फ्रेश लगेगी तो आप भी फ्रेश लगेंगे। चले जी, ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगी। फिर मिलेंगे एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।